हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के बारे में पढ़ा। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रादेशिक राजनीतिक दल यानी कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। भारत में प्रत्येक राज्य में एक या अधिक प्रादेशिक दल विद्यमान है। कुछ राज्यों में प्रादेशिक दल दीर्घ अवधि से सत्ता में विद्यमान है, यानी कि आपने देखा होगा भारत में हर राज्य में एक या दो से ज़्यादा पार्टीज होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा दो और एक भाजपा, ये तीन जो है वो प्रादेशिक पार्टी के रूप में कार्य करती हैं। हालांकि भाजपा जो है वो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ठीक। तो उसके अलावा सपा और बसपा जो है वो दोनों क्या प्रादेशिक राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के। तो इन दलों कुछ दल जो है वो काफ़ी लंबे समय तक कार्य करते हैं, सरकार उनकी बनी रहती है, और कुछ जो है वो कुछ समय के लिए सीमित समय के लिए ही कार्य करते हैं। इन दलों में आविर्भाव का औचित्य यह है कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक प्रकार की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रजातीय विविधताएं विद्यमान हैं। एक प्रदेश के लोगों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं दूसरे प्रदेश के लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से भिन्न होती हैं, ठीक है। भारत जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पर भिन्न भिन्न भाषा के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति अलग है, उनका पहनावा अलग है, तो विविधताएं पाई जाती हैं। इसी कारण से प्रत्येक राज्य में आपको विभिन्न प्रादेशिक राजनीतिक दल जो है वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर राज्य की अपनी अपनी एक आवश्यकताएं और आकांक्षाएं जो हैं होती हैं, और वो सब दूसरे राज्य से बिल्कुल भिन्न होती हैं। राष्ट्रीय दल प्रादेशिक भावनाओं को अधिक महत्व नहीं देते, प्रादेशिक दल ही स्थानीय भावनाओं और समस्याओं को बेहतर समझ सकते हैं। देश के प्रमुख प्रादेशिक राजनीतिक दल कौन कौन से हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि जम्मू कश्मीर की है, तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश, असम गण परिषद असम की है, अकाली दल जो कि पंजाब में है, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु, हरियाणा विकास पार्टी, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम तमिलनाडु, इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश, शिवसेना महाराष्ट्र। इसके अतिरिक्त तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीय जनता दल बिहार, बीजू जनता दल उड़ीसा, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जम्मू कश्मीर, झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड, उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड। ये कुछ प्रादेशिक राजनीतिक पार्टियाँ थीं जिनके बारे में हमने जिनका नाम हमने अभी पढ़े। इसके बाद आता है विपक्षी दलों की भूमिका, कि जो विपक्षी दल होते हैं अपोजिशन पार्टीज जो होती हैं उनका क्या रोल होता है किसी सरकार को भली भांति चलाने में। सत्ताधारी दल या गठबंधन के संसद सदस्यों को छोड़कर अन्य दलों के सांसद आधिकारिक तौर पर विपक्ष का गठन करते हैं, ठीक है। जिस पार्टी की सरकार बनती है उसके अतिरिक्त जितनी भी पार्टीज होती हैं उन सबके जो नेता होते हैं या सांसद होते हैं वे सब विपक्ष का गठन करते हैं यानी कि अपोजिशन। इनका कार्यक्षेत्र अति विस्तृत होता है जिसे संक्षेप में निम्नवत बताया जा सकता है। इनके कौन कौन से कार्य होते हैं? पहला है उत्तरदायी विपक्ष की भूमिका का निर्वाह करना। दूसरा है जन भावनाओं, अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करना कि जो सिटीजन्स हैं यानी कि जो नागरिक हैं देश के उनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से और उनकी कौन कौन सी आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए जो सरकार है उस पर दबाव बनाए रखना। तीसरा है राजनीतिक चेतना जागृत करना। राजनीतिक जो चेतना है वो उनमें जागृत करना जो है वो भी विपक्ष का कार्य होता है। जनमत तैयार करना, सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करना, ठीक है। सरकार के द्वारा बनाई गई जो जन विरोधी नीतियाँ होती हैं जिनसे लोगों को हानि होती है उन नीतियों का विरोध करना भी एक तरीके से विपक्ष का कार्य होता है। प्रशासन की जन विरोधी गतिविधियों या क्रियाकलापों को प्रकाश में लाना, प्रशासन यानी कि जो सरकार चल रही है उस सरकार के द्वारा जो भी गतिविधियाँ की जा रही हैं जो लोगों के विरोध में हैं उन सबको प्रकाश में लाना ताकि सरकार जो है ऐसे कार्य ना करे या ऐसी गतिविधियाँ जो है उनको ना करे। नेक्स्ट है राजनीतिक विकल्प प्रदान करना। चुनाव होने के बाद बहुमत वाला दल या दलों का गठबंधन सत्ता पर आसीन होता है तथा अल्पमत वाला दल या दलों का गठबंधन उत्तरदायित्व के साथ व्यवहार करता है क्योंकि उन्हें भविष्य में सत्तासीन होने की आशा रहती है, ठीक है। जो राजनीतिक विकल्प होता है वो प्रदान करने का भी कार्य जो है वो विपक्ष का होता है। चुनाव होने के बाद जो
सरकार बनती है, जिस पार्टी की सरकार बनती है वो सत्ता पर आसीन होती है, तथा जो अल्पमत वाले दल हैं वो गठबंधन करके उत्तरदायित्व का के साथ व्यवहार को करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की आशा रहती है कि भविष्य में वो कभी ना कभी उनकी सरकार जो है वो अवश्य बनेगी। नेक्स्ट है गठबंधन सरकार यानी कि कॉलिजन गवर्नमेंट। जब कोई राजनीतिक दल आवश्यक बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तो उसकी सरकार जो है वो बनने में असफल रहती है, तो उस समय जब विभिन्न राजनीतिक दल मिल करके कोई सरकार बनाते हैं तो वो मिलीजुली सरकार जो होती है वो गठबंधन सरकार कहलाती है। देश में सबसे पहली गठबंधन सरकार जो है वो छठे आम चुनाव के बाद 1977 ईस्वी में बनी थी। उसके बाद 1999 से 2004 ईस्वी में एनडीए के द्वारा बनाई गई, जिसमें 24 दलों का गठबंधन था, और उसके बाद यूपीए सरकार जिसमें 10 दलों का गठबंधन था। गठबंधन सरकारों में विभिन्न प्रादेशिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है, किंतु इसका दोष यह है कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने में समय लगता है, क्योंकि विभिन्न दलों के सदस्यों में मतभेद रहता है। यानी कि कोई ऐसा विषय है जिस पर सबका मत आवश्यक है तो सभी के जो विचार होते हैं सब अलग अलग होते हैं, तो उस विषय पर एकमत होने में काफ़ी समय लग जाता है, तो इसलिए कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें निर्णय लेने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है। ये गठबंधन सरकार का सबसे बड़ी हानि है। राज्य स्तर पर गठबंधन सरकारें चौथे आम चुनाव के बाद बनी थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, बंगाल आदि में अनेक गठबंधन सरकारें अस्थिर रही हैं, यानी कि इन राज्यों में गठबंधन सरकार जो है वो अक्सर बनती रहती है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको प्रादेशिक राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह एकत्र करके अपनी पुस्तिका में चिपकाने हैं, यानी कि जो प्रादेशिक विभिन्न राज्यों में जो प्रादेशिक राजनीतिक दल होते हैं उन सभी के चुनाव चिन्ह जो हैं वो एकत्र करके आपको अपनी कॉपी में पेस्ट करने हैं। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।